गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करूंगी अपने चैनल पर, और आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है दैट मैं इस बार एक सीरीज लेके आई हूँ, पाइथन की सीरीज, जो कि क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। सो प्लीज कंटिन्यू करिएगा इस सीरीज को, और जितने भी आपके कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स हैं, उन सबके लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जानते हैं आखिर पाइथन क्या है। तो जैसा हम लोगों को कम्युनिकेशन करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, जब हम ह्यूमंस भी अपने आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हमें एक लैंग्वेज चाहिए होती है, उसी तरह से जब एक ह्यूमन एक कंप्यूटर यानी जो एक मशीन है उससे इंटरेक्ट करता है तो उसे भी एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। सो पाइथन भी उनमें से एक लैंग्वेज है। सो जैसा हम सब जानते हैं कि हमारी जो कंप्यूटर है वो एक मशीन लैंग्वेज ही समझती है, यानी हमारा 0 और 1 की लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, राइट। और अगर आप देखेंगे C++, जावा, पाइथन, ये सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, और आप सब ने इस बारे में बचपन से सारी क्लासेस में पढ़ा होगा कि आपकी लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, आपकी असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होती है, और आपकी हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो पाइथन इज वन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखते हैं कि पाइथन आखिर डेवलप किसने करी है। तो पाइथन जिन्होंने डेवलप करी है उस पर्सन का नेम है यूडो वैन रोसम, और इन्होंने पाइथन को डेवलप किया है February 1991 में। सो अब आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इन्होंने ये जो नाम पाइथन रखा है, ये नाम आखिर रखा कहां से है। सो ये उस टाइम पर जब पाइथन इन्होंने डेवलप करी थी, उस टाइम पर ये एक टीवी शो देखा करते थे, जिस टीवी शो का नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। यहीं से इन्होंने अपनी लैंग्वेज के लिए इस वर्ड पाइथन को यहां से ले लिया। सो इन्होंने ये वर्ड पाइथन इस सीरीज से लिया है, जिससे बहुत इन्फ्लुएंस थे, इंस्पायर थे। सो इन्होंने पाइथन को डेवलप किया February 1991 में। अब बात है कि पाइथन आखिर चलेगी कैसे हमारे सिस्टम पर। पहले जाना होगा अपने गूगल पर, और वहां पर आप सिंपली टाइप कर देंगे पाइथन, और पाइथन डाउनलोड अगर आप लिखते हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहला जो आपको वेबसाइट मिल रहा है, जो कि है www.python.org। इस पर आपको जाना है, सिंपली क्लिक ऑन इट, और आपको यहाँ पे रीसेंट लेटेस्ट वर्जन आपको इसका दिख रहा है, पाइथन 3.11.2। अगर आपका सिस्टम ये सपोर्ट करता है, आपका विंडोज इसके अकॉर्डिंग है, तो आप इसे डाउनलोड करिए। अदरवाइज आप डाउनलोड्स पर जाकर भी आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से डाउनलोड्स एज पर योर सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको डाउनलोड करने चाहिए। तो आप यहाँ पे पूरी लिस्ट को व्यू कर सकते हैं, ओके, और आपके पास ये पूरी लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगी कि ये आपके बहुत सारे वर्जन है, लाइक 3.10 था इससे पहले, और भी वर्जन है, 10 के भी वर्जन है, 9 है, 3.8 है, 3.7 है। तो जो भी आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट हो, सबसे पहले उसके लिए आपको अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट को चेक करना होगा, यानी आप जाएंगे, आपको जाना होगा अपने माई कंप्यूटर पर, और वहां पे जाकर आप प्रॉपर्टीज पर जब जाएंगे, और प्रॉपर्टीज पर आप अपने कंप्यूटर का देखेंगे कि आपका सिस्टम टाइप क्या है, वो 64-bit है या 32-bit है, वो आपको चेक करना है। बाकी आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, लाइक आई एम यूजिंग विंडोज 7, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपने पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। तो जब आपका पाइथन हो जाएगा इंस्टॉल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं IDLE लिखकर, यही वो पाइथन का सॉफ्टवेयर है जो अभी राइट नाउ मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल है, इसलिए आपको ये दिख रहा है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको भी इस तरीके की चीज दिखने लगेगी। सो IDLE ओपन हो गई हमारी, ये IDLE शेल, सो दिस इज कॉल्ड IDLE शेल। तो यही मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ कि हमारे पाइथन में हम जब वर्क करते हैं तो देर आर टू एग्जीक्यूशन मोड, दो एग्जीक्यूशन मोड होते हैं। एक आपका होता है इंटरक्टिव मोड, just wait for a second and let me go to this screen, wait for a second and I was telling you ki aapki do aapki execution mode hota hai, ek hota hai aapka script mode aur ek hota hai aapka interactive mode. So interactive means jahan pe user directly interact kar raha hai, aur aapko I'll show you like this. So there are two execution modes. तो जब हम अपने आइडियली पर जाते हैं, और जो ये पहली शेल हमें दिख रही है, दिस इज योर इंटरक्टिव मोड। अगर हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, सपोज जो पहला ही प्रोग्राम है, जो हर कोई प्रोग्रामर कोई भी लैंग्वेज सीखता है तो इस ही को करना चाहता है, सॉरी, बिकॉज आपकी पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मींस आप उसमें जो चीज है उसको आप उसी वे में कर सकते हैं। अगर हमें प्रिंट लिखना है तो प्रिंट को हमें सारे लेटर्स को स्मॉल में ही लिखना होगा। तो हमने लिखा प्रिंट, और सपोज मैं अपना ही नेम टाइप करना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा अपना नेम, और मैंने, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, आगे आने वाली क्लासेस में आप जानेंगे ये स्ट्रिंग क्या होती है। फॉर द टाइम बीइंग आई विल टेल यू दैट एनीथिंग जो आप डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर या ट्रिपल कोट्स के अंदर आप जो भी चीज देते हो, वो एज इट इज आपकी टाइप हो जाती है, बिकॉज दीज आर द सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सो इसे ही हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो अगर मैं अब एंटर प्रेस करती हूँ, तो आप देखेंगे आपको एज एन आउटपुट मेरा ही नाम शो हो रहा है। सो दिस विल शो यू वन बाय वन, लाइन बाय लाइन आपको ये दिखाएगा। सो दिस इज द इंटरक्टिव मोड, ओके। एंड फॉर द अदर मोड, दैट इज वॉट आई टोल्ड यू, जो आपका स्क्रिप्ट मोड है, उसके लिए आपको जाना है अपने फाइल पर, और आपको क्लिक करना है न्यू फाइल पर। अब आप न्यू फाइल पर जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास एक ब्लैंक स्क्रीन आती है।
दिस इज योर स्क्रिप्ट मोड. आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम को टाइप कर सकते हो, लाइक सिंपली सपोज ओके सपोज लेट्स से मैंने अगर दो वेरिएबल्स को ऐड करना है, सपोज आई सेड ए इक्वल टू टू बी इक्वल टू फाइव एंड सपोज सी इक्वल्स टू सम ऑफ बोथ द वेरिएबल्स ए एंड बी. नाउ सपोज अगर मुझे अब अपने इस सी की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो सपोज मैं कह देती हूँ द सम ऑफ टू नंबर्स, ओके सो इट वॉज ड्यू टू सम इलेक्ट्रिसिटी इशू, सो लेट्स कंटिन्यू. सो आप देखेंगे, आप टाइप करेंगे द सम ऑफ द टू नंबर इज और अब मैं अगर देती हूँ टाइप करना चाहती हूँ सी. अब ये मैं इस फाइल को सेव करूंगी, सो आई सेव इट सपोज ऑन माई डेस्कटॉप, आई एम गोइंग टू सेव इट एंड डेस्कटॉप पर मैं जब इसे सेव कर रही हूँगी और मैं इसे अपना कुछ भी नाम दे सकती हूँ, सपोज सम ही दे देती हूँ. आप चाहे तो एक्सटेंशन लिख सकते हैं .py, अदरवाइज यहाँ पर ऑलरेडी सेव एज टाइप में पाइथन फाइल्स है तो ये बाय डिफॉल्ट आपका .py एक्सटेंशन ले लेगा. अब हम सिंपली सेव करते हैं एंड लेट्स जंप टू दिस, लेट्स सी वेयर दिस इज. सो दिस इज अवर पाइथन फाइल सम. नाउ व्हेन आई क्लिक इट, ओके सो अवर फाइल इज हियर. नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन इट एंड लेट्स सी, नाउ इफ आई गो ऑन रन एंड इफ आई क्लिक, आप चाहे तो F5 की प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज आप इस तरीके से. तो आपने देखा द सम ऑफ द टू नंबर इज 7, इसने आपको कैलकुलेट करके दे दिया 7. ओके सो दिस वाज हाउ वी रन अवर प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड और हम कैसे वर्क करते हैं अपने इंटरैक्टिव मोड. ये दोनों मोड हमने आज डिस्कस किए. अब आने वाली क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगी पाइथन के कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं. सो स्टे ट्यून्ड, आई होप यू लाइक द सेशन. प्लीज हिट द लाइक बटन टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज. थैंक यू फॉर शेयरिंग.